एक बार फिर लगे सागर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप। सागर की पंतनगर वार्ड की रहने वाली पूजा आठिया को पहले बच्चे की डिलीवरी के लिए सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 3 तारीख को भर्ती कराया गया था और 4 तारीख को एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया, लेकिन शाम के समय मृतक पूजा आठिया की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी तो मृतक के पति के द्वारा डॉक्टर से बोला तो मृतक की हालत देख डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर कुछ देर बाद मृतक की हालत खराब होने लगी और रात 12 बजे के आसपास मृतक पूजा आठिया ने दम तोड़ दिया और रात में मृतक के परिजनों के द्वारा डॉक्टरों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि डॉक्टरों के गलत इंजेक्शन लगाने के बाद मृतिका की हालत ज्यादा खराब हो गई थी। जब सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा था तो परिजन कोई हंगामा खड़ा ना कर दे तो खुद सागर CSP और पूरा गोपालगंज थाना पुलिस पोस्टमार्टम होने तक खड़ा रहा। जब सागर CSP से पूछा तो कहा कि PM रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। वहीं मृतिका के पति ने साफ तौर पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा, इनके गलत इंजेक्शन लगाने के कारण मेरी पत्नी की मौत हुई, अब इस नवजात शिशु का आगे कैसे लालन पालन होगा। ये पहला मामला नहीं है जब इन जैसे गंभीर आरोप मेडिकल कॉलेज पर लगे हैं, लेकिन चाहे जितने आरोप लगे शायद मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कभी ठीक हो सके। अब नाम लिखते हैं आप, क्या समस्या को लेके आप लोग आज जन समुदाय को लेके यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? हमारी बाइक की डिलीवरी हुई थी यहाँ पे। कहाँ पर? मेडिकल में। अच्छा, क्या नाम लिखती हैं? पूजा शराब जी। जी, तो वो ऑपरेशन से हुई थी 3 जी। ऑपरेशन के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया जी। वो सब नॉर्मल था, बच्चा बच्चा दोनों कोई दिक्कत नहीं थी, सब ठीक था। कितनी तारीख को भर्ती किया गया था? भर्ती 3 तारीख को किया था, सुबह 9-10 के बजे। 4 तारीख को 3 बजे डिलीवरी हुई। उसके बाद रात में 12:30 बजे करीब 5 तारीख लग जाती, तो हमने नर्स को बताया तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो नर्स ने इंजेक्शन लगाया तो 5 मिनट बाद हलचल खत्म हो गई, शांत हो गई। अच्छा, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि आपने कुछ खिलाया है, जड़ी बूटी वगैरह, जिसमें हमने दोनों को पानी भी नहीं दिया जी। उनने बोला था कि पानी भी नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया, मगर बोल रहे हैं जड़ी बूटी निकल रही है अंदर, तो भूख कैसे पहुँच रही है हमको भी पता नहीं है। कहाँ के निवासी हैं आप? हम लोग पंतनगर वार्ड वेदांती के निवासी हैं। इसको कल डिलीवरी हुई थी, तो डिलीवरी में रात में इसको तकलीफ हुई है, तो इनके द्वारा पेन किलर और जो भी उससे संबंधित इंजेक्शन वगैरह दिए गए हैं, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी, बिस्तरा वगैरह जब्त होगा, FSL भेजा जाएगा। मृतका की उम्र क्या है? मृतका की उम्र करीब 26 करीब। क्या आरोप लगा रहे हैं सर पीड़ित? पीड़ित का कहना है लापरवाही, अब उसमें देखा जाएगा, FSL जाएगा, माल क्या रिपोर्ट आती है।